अलग अलग विभिन्नता बन रही है। इन्होंने खत्म करके हिंदू कवि राज लिया, संविधान लिया, इन्होंने मनुस्मृति लियानी है, तिरंगे थाने भगवा झंडा लिया, तो बाकी सारे सूबे के अधिकार इन्होंने खत्म करने। उसके वास्ते यह बहुत सारे कदम उठा रहे, तो उन्होंने कदमों के एक कदम है एक सर सिविल कोड UCC, जिसका मतलब यह आ कि इन्होंने अलग अलग हिंदू धर्म तो बिना जिन्हें धर्म इतने है उन्होंने विआह प्रति मर्ग प्रति या उन्होंने होर रस्मों रिवाज जो अलग आ एक हिंदू धर्म तो अलग आ रस्मों रिवाज या उन्होंने संस्कृति अलग आ उन्होंने विश्वास अलग है उन्होंने सारियां नूं मलिया मेट करके एक सर सिविल कोड लिया के आपका सारा कुछ समाना चाहते हैं, जिमें भी विआह किस तरीके करना यह हिंदू धर्म दसा रस्मों रिवाज कि अपनाने किड़े ग्रंथ को मनना किड़ा पीर पैगंबर थोड़ा गुरु होगा यह सारा कुछ एक सर सिविल कोड के तहत इन्होंने लोगों को मनवाना वो लैके आए हैं। तो जे ये हिंदुस्तान लागू हो जाता तो ये जोड़ा सिखा का अलग आपका एक धार्मिक मनौत है आपके रस्मों रिवाज है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो सवेर में सूर्य नमस्कार करना पेगा, जोड़ा हनुमान लैके आ जा के संजीवनी बूटी उड के लैके आता वो विज्ञानिक युग के किताबों पढ़ना पेगा। यह सारा कुछ करने वास्ते वह अलग अलग धर्मों की आपकी जी हैसीयत आ आजाद अन्ना हैसीयत उन्होंने खत्म करने वास्ते एक सर सिविल कोड लैके आए आ मोदी इनू लैके आया तो भगवंत मान साहब ने यह समर्थन करता साबित करता भी यह RSS की ड्यूटी। जिमें तुम दसिया कि एक धर्म के रस्मों रिवाज मनौत सारा कुछ सारिया लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इनू की औरंगजेब वाली नीति नहीं किया जाऊगा, क्योंकि औरंगजेब भी तो इस तरह ही करना चाहता सी भी एक इस्लाम के नियम रूल सारे ते लागू होने चाहिए। ये औरंगजेब तो भी अगली गल मनुवादी सोच के राही वो तहत जोड़ा मध युग हिंदुस्तान लैके जाना चाहते हैं, जिदे सब तो पहला जो निशाना है कि जी वर्ण व्यवस्था उन्होंने दोबारा हिंदुस्तान से लागू करना भी ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूदर सब तो थले पैरों के हो जी जात पात की वर्ण व्यवस्था हैगी दोबारा लिया चाहते हैं। तो मनुस्मृति के मनुवादी सोच के कि जी औरत है वह मरते पैर की जोड़े दलित आ जिमें लिखा ढोल शूदर नारी तीनों ताड़न के अधिकारी उन्होंने पैरों के रखना चाहिएगा। वो मनुवादी जी सोच आ यह कुछ तो औरंगजेब ने किया, औरंगजेब तो विरोधी को मार दिता सी आपके धर्म को अलावा कोई होर धर्म का बंदा सी जो बर्दाश्त नहीं करता सी मारता सी। ये जो अलग अलग नस्ल है अलग अलग कौम है मलिया मेट करने वास्ते एक जो पूरा प्रोग्राम लैके बैठे आ प्रोग्राम लागू करने वास्ते एक सर सिविल कोड लैके आ। पर ऐ नहीं लगता कि मोदी पहला जिस तरह कई कानून लैके आए वह सख्त विरोध होया तो लोगों ने वो खिलाफ़ वड्डे वड्डे अंदोलन लड़े ये खिलाफ़ भी लोग रोह बनेगा तो उठे बिल्कुल बनूगा। इन्हों का एजेंडा कि 1925 के RSS बनी 2025 इन्होंने हिंदुस्तान हिंदू कवि राज घोषित करता तो अब 2023 आ 2 साल रह गए इन्हों की पूरी कोशिश आ कि पूरा लोगों के बुलडोजर चला के आपकी जड़िया गलों लागू की जा जे ये नहीं लागू करते तो फिर तानाशाही रूप नहीं इन्हों का रहा गा जिदे करके हर तरह का रिस्क उठा के जोड़ा इस तरह के कानून लोगों पर मढ़ना चाहते हैं। पर यह सख्त विरोध होगा, सब तो पहला पंजाब से विरोध होगा, खेती कानूनों का विरोध पंजाब होया, कश्मीर की 370 धारा तोड़ी वह विरोध पंजाब होया, एक सर सिविल कोड के खिलाफ जोड़ा पंजाब उठूगा पूरे देश की अगवाई करेगा। कला जी ये नहीं कहते कि पंजाब की कोई भेट करेगा, अलग अलग सूबे साउथ के इन्हों कोई मूँह ला के राजी नहीं गा इन्ने सूबे जोटा जड़ियाँ हार चुके ये कानून ये लागू करने की कोशिश करेंगे पर बहुत बड़िया रुकावटा इन्हों के राह के तिखे विरोध इन्हों सामना करना पी। इंज भी हो सकता है कि 2024 दियां इलेक्शन ने वह ये कानून जोड़ा है या ये कोड आ जोड़ा वो मोदी सरकार के कबूल के बिल्कुल हो सकता पूरे वर्ल्ड लैवल का जोड़ा दृश्य वो चेंज हो रहा आर्थिक संकट के बहुत बहुत तगड़े देशों दी सरकार जड़ियाँ डुबिया हो बहुत सारे तगड़े मुल्कों महंगाई के खिलाफ पेंशन के कट लग रहे तनखाहों के कट लग रहे वो खिलाफ़ वड्डे वड्डे मुजहरे निकल रहे हैं। हिंदुस्तान के भी लोगों का मेन तो मुख मुद्दा पेट की जी रोटी की लड़ाई बनता जा रहा है, लोग धर्म जातों दी लड़ाइयों तो उपर उठ के आपके हक साइज की भुख के खिलाफ आपके रुजगार की आपके जिंदगी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो इन दियाँ पहला भी लड़ाइया जीडिया वो फेल हुई खेती कानूनों का अंदोलन चलिया तो इन्हों का जोड़ा फाशीवादा रथ से ब्रेक लाइया NRCC AA
इस तरह UCC के वर्गा लैके आने लगे थे उन्होंने जो रोक लगी है तो खेती कानून के खिलाफ अंदोलन ने संयुक्त किसान मोर्चे ने जोड़ा रोक लाई है तो यू रोक भी जी लोग आपकी रोजी रोटी की लड़ाई जी चेंज करके लाने लोग इन्हों के बहकावे आने वाले ने बहुत व्डिया रुकावट है तिखा विरोध होगा इन वास्ते कानून लागू करना बहुत तुसी सुनिया UCC लैके आ रहे हैं और करमजीत जी ने दसिया कि ये औरंगजेबी नीति नालों भी अगे की नीति है तिखा विरोध होगा और 2024 के इलैक्शन दे विच यही नवा कानून तबूत का आखिरी किल भी साबित हो सकता। मैं थोड़ा वीर डॉक्टर बख्शीश आजाद तुम देख रहे हो लाइव सच मेरे नाल कैमरे से लवप्रीत सिंह करमजीत जी बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत आए बहुत बहुत शुक्रिया।